कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे श्रेक एकेडमी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में सेवन श्रेक डेविल्स को सनमून रॉयल एम्पायर में भेज दिया था और इसी में यूहव एंड केटाव दोनों ही शामिल हैं। और यहाँ पर यूहव को पता लगता है कि केटाव इसी सिटी से बिलोंग करता है, जो सुन के तो यूहव काफी ज्यादा हैरान होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि यूहव की मुलाकात यहाँ पर सनमून एकेडमी में अपने एक नए टीचर से हो जाती है, जिसका नाम मास्टर जीवन होता है। वो मास्टर यूहव से कहता है कि यदि तुम मेरे टेस्ट में पास होते हो तभी मैं तुम्हें अपना डिसेबल सिलेक्ट करूंगा, यदि इसमें फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल नहीं सिलेक्ट करूंगा। जिसके साथ ही वो यूहव के सामने एक टेस्ट रख देते हैं और उस टेस्ट में यूहव काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से मास्टर जीवन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे तुरंत ही अपना डिसेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे कहते हैं तुम सनमून रॉयल एकेडमी ज्वाइन कर लो, जिस पर यूहव ने उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है। और यूहव यहाँ पर सोल गाइडेंस वेपन्स के बारे में और ज्यादा पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर अचानक नॉक करता है और उस दरवाजे के पीछे कोई और नहीं, वहाँ पर ब्रदर केटाव होते हैं, जो कि सनमून रॉयल एकेडमी के ड्रेस को पाली होते हैं। जिस पर केटाव यूहव के रूम में आते हुए यूहव से पूछते हैं आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो, जिस पर यूहव उसे बताते हैं कि मैं मास्टर जीवन के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं फिलहाल एक सोल गाइडेंस वेपन के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। जिस पर केटाव यूहव को बताते हुए कहता है कि यार सच में ये बात तो कमाल की है, क्योंकि यहाँ पर सनमून रॉयल एकेडमी के सभी सोल गाइडेंस वेपन काफी ज्यादा कमाल के हैं, ऐसे एडवांस वेपन मैंने आज तक नहीं देखे। जिस पर यूहव को कोई बात याद आ जाती है और वो तुरंत ही केटाव से पूछते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने जैसा कि मुझे पहले बताया था कि आपका जन्म इसी सिटी में हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे और कुछ जानना चाहता हूँ। जिस पर केटाव उसे अपनी स्टोरी बताते हुए बाहर लेके चला जाता है, जहाँ पर केटाव यूहव को बताते हुए कहता है कि मैं मैंगडी सिटी में पैदा हुआ था। और यहाँ पर यूहव को पता चलता है कि केटाव सनमून रॉयल एम्पायर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिस पर यूहव काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर केटाव यूहव को बताते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा प्रिंस हूँ कि जिसे इस रॉयल फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यदि इस एम्पायर को पता लग गया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो ये सभी मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। असल में ये बात काफी ज्यादा टाइम पहले की है, जहाँ पर मेरे फादर इस सनमून एम्पायर के एक एम्परर हुआ करते थे। यहाँ पर सब कुछ ही शांति की तरह चल रहा था जब तक कि वो बीमार ना हुए, और जब वो बीमार रहने लगे तब वहाँ पर मेरी मदर एंड मेरी सारी सिस्टर्स उनका काफी ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेरे अंकल वो काफी ज्यादा सोल्जर्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर दिए, मेरे पिताजी के ऊपर अटैक कर दिए, उन्होंने वहाँ पर हर किसी को मार डाला और मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किलों से मुझे बचाकर एक बक्से के अंदर छुपा दिया। लेकिन वही मेरी माँ ने मुझे छोड़कर मेरी बाकी की पूरी फैमिली को नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ पर जान से मारे गए और उन सभी ने बारी बारी करके सभी को मेरी नजरों के सामने मार दिया। और ये सब मैं वहाँ पर छुपे हुए बक्से के अंदर बैठकर देख रहा था और वहाँ पर मैं इतना लाचार था कि मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। और अपनी प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए केटाव फिर से एक बार रोने लगता है और यहाँ पर केटाव तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपनी प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए। तभी यूहव गलती से केटाव को जगाते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आखिरकार आपको क्या हुआ। उसी समय केटाव काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए तुरंत ही अपने वेपन को इस्तेमाल कर यूहव के ऊपर तान देता है, जिस पर यूहव तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ी देर में ही केटाव शांत हो जाता है और यूहव से माफी मांगता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। और अपनी स्टोरी आगे बताते हुए कहते हैं कि और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यहाँ के एम्परर बन गए और मेरे पिता जैसे ही मरे उसके बाद मेरे अंकल यहाँ के न्यू एम्परर बन गए और यहाँ पर सनमून रॉयल एकेडमी पूरी तरह से चेंज हो गई और वहाँ पर उनकी आर्मी सभी मेरे पीछे लग गई थी और वो हर जगह मुझे ढूंढ रहे थे। और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए मैं मैंगडी सिटी से वहाँ पर भागने में कामयाब हुआ। जंगलों में कई दिनों तक पैदल और भूखे सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा और वहीं पर उस जंगल में मैं अचानक ही बेहोश होकर गिर चुका। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मास्टर फान वहीं से गुजर रहे थे और उन्हें मैं दिखाई दिया और वो मुझे अपने साथ लेकर श्रेक एकेडमी में आ गए। और मुझे अपनी प्रीवियस एंड अपनी फैमिली के बारे में सोचकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं कब सनमून रॉयल एकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं और मैं ऐसा जरूर करूंगा। आने वाले समय में मैं सनमून रॉयल एकेडमी पर जरूर अटैक करूंगा और अपनी फैमिली का बदला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिस पर यूहव केटाव से कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपका दुख और दर्द समझ सकता हूँ और मैं आपका इस लड़ाई में जरूर साथ दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ सीखना होगा और हमें बहुत स्ट्रांग बनना होगा। और यहाँ पर केटाव यूहव के मुंह से ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम सभी सेवन श्रेक डेविल्स हैं और सेवन श्रेक डेविल्स इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से आते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि यहाँ पर दुनिया की सारी कंट्रीज हमारे सामने झुकेंगी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहव मास्टर जीवन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए उनके पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे मास्टर जीवन नहीं दिखाई देते और वहाँ पर यूहव के सामने एक घुंघरेले बाल वाली लड़की होती है जो कि किसी सोल गाइडेंस वेपन पर काम कर रही है। और वो लड़की अपने काम में इतना ज्यादा मशरूफ थी कि उसके पता ही नहीं लगता कि आखिरकार यूहव कब उसके पास आकर खड़ा हो जाता है।
और यहाँ पर कुछ टाइम मेहनत करने के बाद वो लड़की अपना सोल गाइडेंस वेपन बनाने में काफी ज्यादा कामयाब हो जाती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुशी से युवाओं की तरफ घूमती है और उसे हाई फाइव भी कर देती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की होश में आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम कौन हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पर एक फ्रूट मास्टर है, जिसकी वजह से इसके पास से काफी ज्यादा ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। और ये लड़की तुरंत ही यहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी उसका एक ऑरेंज पर पैर पड़ता है और वहाँ पर स्लिप करके नीचे गिर जाती है। लेकिन वहीं पर युवा उस लड़की को नीचे गिरता हुआ देख तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और युवा उसे अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम युवा है और मैं यहाँ पर एक एक्सचेंज डिसेबल हूँ। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।